एसएस राजामौली की हालिया रिलीज फिल्म ट्रिपल आर बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल कर रही है। फिल्म को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद किया जा रहा है, लेकिन हाल ही में इस फिल्म के शो को यूएस में रोक दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना अमेरिका के एक मशहूर थिएटर चैन के सिनेमा घर में हुई। ट्रिपल आर को बीच में ही रोक दिया गया और इंटरवल के बाद फिल्म चालू ही नहीं हुई। इस वजह से सिनेमा घर में बैठी ऑडियंस शॉक हो गई। कहा जा रहा है कि सिनेमा घर वाले फिल्म की लंबाई से कंफ्यूज हो गए और इस वजह से 3 घंटे 1 मिनट लंबी फिल्म को बीच में ही रोक दिया गया। बता दें, फिल्म ने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 240 करोड़ का धमाकेदार बिजनेस किया है। फिल्म ने यूएसए में पहले दिन 24 करोड़ और कनाडा में 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इस हिसाब से नॉर्थ अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा से ही फिल्म ने 26 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। वहीं फिल्म ने यूएसए में गुरुवार के प्रीव्यूज और पहले दिन के कलेक्शन को मिलाकर 38 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है। ट्रिपल आर बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु के अलावा तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज हुई है। आलिया भट्ट और अजय देवगन जैसे स्टार्स की वजह से हिंदी में भी इस फिल्म का बज बना हुआ है। पहले इस फिल्म को 7 जनवरी को रिलीज किया जाने वाला था, हालांकि कोरोना की वजह से सिनेमा घरों में ताले पड़ने पर इसे 25 मार्च को रिलीज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार।